हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सर दर्द के बारे में। सर दर्द एक कॉमन सी बात है और ये हर किसी को कभी ना कभी ज़रूर ये झेलनी पड़ती है। यूं तो बाज़ार में कई तरह की दवाएं मौजूद हैं जो सर दर्द की राहत के लिए ली जा सकें, लेकिन हर बार दवाई लेना सही नहीं होता और ज़्यादा दवा खाने का बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। तो आप अगर चाहते हैं तो ऐसे कई घरेलू उपाय हैं छोटे छोटे जो कि आपके दर्द को चुटकियों में दूर कर सकते हैं। ये मर्ज़ है तो कॉमन लेकिन बहुत तंग करती है। इस मर्ज़ की वजह से ना ही आदमी किसी महफिल को एंजॉय कर सकता है, ना ही कुछ पढ़ सकता है। तो आज मैं आपको इस मर्ज़ की बेहतरीन देसी नुस्खे बताऊंगा। आगे चलने से पहले मेरे आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक्स। तो सबसे पहले और आम नुस्खा यह है कि पानी पीना। पानी को थोड़े थोड़े देर बाद अगर आप थोड़े थोड़े पानी पीते रहेंगे तो आपको सर दर्द में बहुत ही जल्दी आराम मिलता है, क्योंकि इससे आपका शरीर हाइड्रेट हो जाता है। एक बार अगर शरीर हाइड्रेट हो जाता है तो सर दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। दूसरा उपाय है लौंग के डोरे। दवा पर कुछ लौंग के डोरे की कलियों को गर्म कीजिए और इन गर्म हो चुकी कलियों को एक रुमाल में बांध लीजिए। कुछ कुछ देर बाद इस पोटे को आप सूंघते रहिए। आप पाएंगे कि आपका दर्द धीरे धीरे कम हो गया है और बंद हो गया है। नंबर 3, सेब पर नमक डालकर खाने से। जी हाँ दोस्तों, अगर सारी कोशिशें कर ली और आपका सर दर्द जाने का नाम नहीं ले रहा तो एक सेब काट लीजिए और उस पर नमक डालकर खाएं। सर दर्द में राहत पाने के लिए बेहद कारगर उपाय है। नंबर 4, तुलसी की पत्तियों की तोरा। आपने अक्सर लोगों को सर दर्द होने पर चाय या कॉफ़ी पीते देखा होगा, पर एक बार तुलसी की पत्तियों को पानी में उबालकर उनका इस्तेमाल कीजिए। ये जो पानी है तुलसी की पत्तियों का चाय या कॉफ़ी से ज़्यादा बेहतर है। नंबर 5, काली मिर्च और पुदीने की चाय। सर दर्द में चाय यूं लोग पीते हैं, लेकिन कौन सी चाय पीनी चाहिए यह ज़रा ध्यान देने की बात है। इनका सेवन करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप चाहे तो ब्लैक टी में भी पुदीने की कुछ पत्तियां मिला कर ले सकते हैं। नंबर 6 है एक्यूप्रेशर। सालों से लोग सर दर्द में राहत के लिए एक्यूप्रेशर का प्रयोग करते आ रहे हैं। सर दर्द होने की सूरत में आप अपने दोनों हथेलियों को सामने ले आइए। इसके बाद एक हाथ से दूसरे हाथ के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच की जो जगह होती है उस पर हल्के हाथ से मसाज कीजिए। यह तजर्बा दोनों हाथों में 2 या 3 मिनटों तक दोहराइए। ध्यान दीजिए कि आपको अंगूठे और इंडेक्स के बीच की जगह पर हल्के हाथ से मसाज करनी है और ऐसा करने से आपको सर दर्द में बहुत ही जल्द राहत मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक्स।